अंगूर का बगीचा, नासिक में अंगूर का बगीचा बहुत ही फेमस है। हम लोग जो लोग अभी चाय पिया नहीं तो आ गए, वो लोग इधर चाय पियेंगे गुड़ का। गुड़ का खेती के बाजू में मजा आएगा। किचड़ है अबे। ये फूल दिखा, फूल गेंदे का फूल दिखा किधर है? अच्छा ये सब लाइन से फूल दिखा। ये फूल मस्त लग रहा है वो वाला। पिंग वाला मस्त है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी चाय पीने के लिए रुके थे, गुड़ का चाय था और इसका खासदार का चाय है यहाँ पर गुड़ का। और गुड़ के चाय के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है, गुड़ा का चाय पीला मुड़े, मतलब गुड़ का चाय पीने के वजह से आपका क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर लिखा है ब्लड प्रेशर कंट्रोल राना मदद होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहने के लिए मदद होगा। त्वचा आने केस या सर्टी उपयोग अपने चमड़े का और बालों के लिए गुड़ का चाय उत्तम है करके लिखा हुआ, फायदेमंद है। गुड़ा का चाय मुड़े अशक्तपना दूर होता है, मतलब गुड़ के चाय से जो भी कमजोरी है वो दूर होता है, मतलब थोड़ा मतलब इम्यूनिटी बढ़ता है। यहाँ पर लिखा है नीचे गुलाचा चाय पीने दमा खोखला सर्दी या सारखे विकार कमी होने मदद होते हैं, मतलब जो भी अगर दमा रहेगा, सर्दी रहेगा, कफ रहेगा, वो सब जो भी ये छोटा मोटा जो बुखार मतलब ये प्रॉब्लम है ये कम होने में मदद होता है। सांधे दुखी पर अतिशय उपयुक्त, मतलब जो घुटने का जो दर्द होता है, सांधा जो दुखता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मतलब उपयुक्त मतलब बहुत ही फायदेमंद है। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने में मदद होते हैं, जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। पीरियड से दुखने कमी होता है, मतलब जो पीरियड्स होता है लेडीज लोग को उसमें जो दर्द होता है वो कम होता है। गुलाब का चाय पीलिया मुले ओके पाचन संस्था चांगली रहती है, मतलब अपना जो पाचन क्रिया है वो अच्छा होता है गुड़ का चाय पीने से। हीमोग्लोबिन के प्रमाण बढ़ने फायदे से सर्द, मतलब हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है गुड़ के चाय पीने से। गुलाचा चाय पीला मुले अमोनिया त्रास कमी होते, अमोनिया का त्रास कमी होता है। अमोनिया मुझे पता नहीं क्या होता है, अगर ये वीडियो आपको बरोबर दिख नहीं रहा है हिंदी मराठी में तो मैं इसको फ्लिप मारता हूँ और वीडियो आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ये गुड़ के चाय के फायदे के बारे में लिखा हुआ है, मतलब गुड़ खाने से या तो गुड़ के चाय से क्या क्या फायदा होता है वो सब यहाँ पर बताया गया है। और फिलहाल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है महाराष्ट्र भी, और जितना भी स्टेट मैंने आपको बताया हर एक स्टेट खूबसूरत है। हम लोग कुछ जो जगह से गुजरा है सिर्फ उसके बारे में रिव्यू डाला है, बाकी हर एक स्टेट खूबसूरत है दोस्तों। और
जो हम लोग को दिखा, जो हम लोग को समझ में आया, वही हम बता पाए। हम आखिर में मनुष्य सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे। ईश्वर ने पूरा संसार को बनाया, पूरा संसार का तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो जो हम देख रहे हैं, उस चीज़ों का हम वर्णन करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कितना खूबसूरत फूलों का झाड़ है, वहाँ पर टमाटर की खेती है, फूलों की खेती है, मिर्ची की खेती है, वहाँ पर अंगूर की खेती है। और ये रहा ये कैंटीन, खासदार गुलाचा चाहा, ये फेमस है इनका। और ये हाईवे है, हाईवे के बाजू में है। हम लोग मुंबई के 200 किलोमीटर के आसपास है हमारे घर से। मनमाड़ और नासिक के बीचों बीच है हम लोग, और मुंबई जाने वाले रास्ते पे। फिलहाल मुझे तो शहरी जिंदगी से अच्छा जो अपना खेती बाड़ी वाला जिंदगी है वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला भी रंग देता है किसानों की जिंदगी में। ऊपर वाला का भी बहुत मदद है कि ऊपर वाला भी उनको मदद करता है, जिससे उनकी जिंदगी में रंग बिरंगा फूल उनको देखने को मिलता है, रंग बिरंगा फल। हम लोग तो नकली रंगों में खोए रहते। दोस्तों यहाँ पर अभी लोग का बातचीत चालू है, लोग